अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस स्पर्मेटोजेनेसिस एंड इच इज़ द प्रोसेस इन विच द मैच्योर स्पर्म्स आर प्रोड्यूस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में एक्चुअली होता क्या है कि जो स्पर्मेटोगोनिया होता है ना वो चेंज होता है स्पर्म्स के अंदर, मैच्योर स्पर्म्स के अंदर या स्पर्मेटोजोवा के अंदर, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया इट विल चेंज इनटू द मैच्योर स्पर्म्स, दिस इज दी स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो इसको भी हम जिस तरह से हमने ओजेनेसिस को स्टार्ट किया था प्रीमॉडल जर्म सेल से, तो इसको भी प्रीमॉडल जर्म सेल से हम स्टार्ट करेंगे। उसमें हम इनका इंट्रोडक्शन देख रही है, एक्सेस सेल्स होते हैं जो कि डीएनए को कैरी कर रहे होते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, ठीक है ना। वो हम सारा ओजेनेसिस में देख के आए हैं इनका सेल्स का इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर हम सब इनको देखेंगे इस तरह से। ये प्रीमॉडल जर्म सेल है ना, ये मेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं सेक्स कॉर्ड्स के अंदर, टेस्टिस के अंदर, ये सारा कुछ, ठीक है ना। सेक्स कॉर्ड्स के अंदर, ये सेक्स कॉर्ड्स क्या है, ये एक्चुअली हम डिस्कस कर रहे हैं बिफोर दी प्यूबर्टी, कि अभी प्यूबर्टी से पहले की बातें हैं सारी, बिफोर प्यूबर्टी। और ये जो सेक्स कॉर्ड्स है ना, यहाँ पे दे आर सराउंडेड बाय दी सर्टोली सपोर्टिंग सेल्स, सो सराउंडेड बाय सपोर्टिंग सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स। और यही सपोर्टिंग सेल्स आफ्टर प्यूबर्टी चेंज हो जाएंगे सर्टोली सेल्स के अंदर, ठीक है ना। ये जो सपोर्टिंग सेल्स थे आफ्टर प्यूबर्टी दे विल चेंज टू दी सर्टोली सेल्स, ठीक है। और ये भी मतलब कि जब अभी प्यूबर्टी से थोड़ी देर पहले, ठीक है, क्या होगा कि ये जो सेक्स कॉर्ड्स थी दे विल एक्वायर द ल्यूमेन, और ये सेक्स कॉर्ड दे विल चेंज टू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। सपोर्टिंग सेल चेंज टू सर्टोली सेल्स एंड सेक्स कॉर्ड चेंज टू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब क्या आ गई यहाँ पे हम प्यूबर्टी, अब हम यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे जी प्यूबर्टी आ गई इधर। और आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई यहाँ पे फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन। फिर में हमने देखा था कि फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन वाज स्टार्टिंग बिफोर हर बर्थ, ठीक है ना, इन इज प्री नेटल लाइफ। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को हमें याद रखना कि फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन डिवीजन स्टार्ट्स आफ्टर प्यूबर्टी। इसको हम डिटेल में देख भी आए हैं जब हमने मियोसिस पढ़ा था, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्रीमॉडल जर्म सेल्स थे ना, आप दे विल फॉर्म दी टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, मतलब ये टाइप ए में क्या होगा, इनका जो न्यूक्लियस है ना, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस इनमें यही है कि न्यूक्लियस ऑन साइड, इनका न्यूक्लियस होगा थोड़ा साइड पे होगा, फिर इसकी टाइप है स्पर्मेटो देर विल बी इट्स रिपीटेड डिवीजन्स, ठीक है। काफ़ी डिवीजन्स के बाद ये अल्टीमेटली बना देगा हमारे पास टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। टाइप बी में क्या है, इसका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में आ जाएगा, और सेकेंडली जो टाइप बी जो होंगे ना स्पर्मेटोगोनिया दे विल बी डार्कली स्टेन्ड, ओके। नाउ दिस टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया दे विल डिवाइड एंड दे विल फॉर्म्स द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये जो प्राइमरी गैमेट बना है ये फीमेल में हमने देखा था कि ये इसकी बिफोर बर्थ बन चुका था, लेकिन मेल में देखेगा कि आफ्टर प्यूबर्टी बन रहा है सब कुछ, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इट विल अंडरगो द प्रोफेज और द मियोसिस वन, और ये प्रोफेज अल्टीमेटली लास्ट करेगी 422 डेज, ठीक है ना। और इसी के बाद यहाँ पे जो है हमारी जो मियोसिस वन है वो कंप्लीट हो जाएगी, मियोसिस वन हो गया अभी कंप्लीट, और अभी हमें मिलेगा क्या, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट,
जो कि फीमेल्स में इमीडिएटली आफ्टर द प्यूबर्टी बन चुका था, लेकिन मेल में देखिए कितने प्रोसेसेस के बाद बनेगा प्यूबर्टी में, ठीक है। सेकेंड स्पर्मेटोसाइट, नाउ दिस सेकेंड स्पर्मेटोसाइट इट विल अंडरगो द मियोसिस टू, विच इज द सेम एज मियोसिस माइटोसिस। इसको हम डिटेल में देख चुके हैं मियोसिस के लेक्चर में, आप लोग वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड स्पर्मेटोसाइट है, इट विल चेंज टू स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स। अब ये जो स्पर्मेटिड्स है ना, ये जो है दे विल अंडरगो अ प्रोसेस कॉल्ड एज द स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब कि और ये जो चेंज हो जाएंगे स्पर्मेटोजोवा, और वी कैन से एज दी स्पर्म्स के अंदर, ठीक है ना। तो स्पर्मियोजेनेसिस इट इज द प्रोसेस इन विच स्पर्मेटिड्स चेंज टू दी स्पर्मेटोजोवा और दी स्पर्म्स। और ये स्पर्म्स यहाँ पे नियरली एक साइकिल के बाद अमाउंट जो होती है वो देयर आर अबाउट 300 मिलियन, ओके, एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट है। अब हम जरा इस प्रोसेस को देख लेते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस मतलब ये प्रोसेस एक्चुअली इसमें होता क्या है, इसके सारे इवेंट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो उसके एक इवेंट यह है कि फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, एक्रोसोम क्या चीज़ है, इसको मैं अभी इस मैप को ड्रॉ करके दिखाऊंगा, स्पर्म का स्ट्रक्चर उसमें आप देखेंगे एक्रोसोम, ठीक है। सेकेंडली इसमें क्या होगा, स्पर्मियोजेनेसिस में कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस, कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। और इसमें होगा जी फॉर्मेशन ऑफ द नेक, द टेल एंड द मिडिल पीस ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ नेक, टेल एंड द मिडिल पीस। ये सारे हम स्पर्म के स्ट्रक्चर में भी पढ़ते हैं। और लास्टली इसमें स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होगा, शेडिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब हम ज़रा मैं आपको यहाँ पे एक साइड पे छोटी सी चीज़ समझा दूँ कि ये जो हम पढ़ के आए हैं ना सिटोली सेल्स हमने पढ़े थे ये वाले, इनके थोड़े से फंक्शन हम देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते, नीचे देख लेते हैं सिटोली सेल्स के फंक्शन। ये जो हमने पढ़ा था स्पर्मेटिड्स, सो दी स्पर्मेटिड्स दे विल रिमेन एम्बेडेड इन द डीप कैविटीज ऑफ सिटोली सेल्स, स्पर्मेटिड्स रिमेन एम्बेडेड इन डीप कैविटीज ऑफ सिटोली सेल्स। और इससे क्या होगा, मतलब इसका जो इसकी रिजल्ट क्या है, तो सिटोली सेल्स जो है वो इन इस तरह इनको प्रोटेक्ट करेंगे स्पर्मेटिड्स को, इसी के साथ ये जो है इसको सपोर्ट भी करेंगे और इसको जो है वो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये है यहाँ पे सिटोली सेल्स का फंक्शन कि ये जो है इन स्पर्मेटिड्स को अपने इन कैविटीज के अंदर रखेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे वहाँ पर, उनको सपोर्ट करेंगे, उनको न्यूट्रिशन भी देंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ हॉर्मोन्स, मतलब कि इस जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस इसमें जो जो हॉर्मोन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो हेडिंग की जो हॉर्मोन्स की, तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड की हॉर्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, पिट्यूटरी हॉर्मोन्स होंगे, ठीक है। और ये एक्चुअल दो हॉर्मोन्स हैं जिसमें से हम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स में पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पे भी ये है जी ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन होगा इसके साथ, और एक होगा इसका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन मतलब कि FSH। ये जो पहले हम देखते हैं इसको किसका ये क्या काम है, ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन इट विल बाइंड विद द लेडिक सेल्स, सेल्स एंड दीज लेडिक सेल्स दे विल एक्चुअली स्टिमुलेट दिस टेस्टोस्टेरोन्स,
ठीक है, और ये टेस्टोस्टेरोन्स हैं, दे विल देन बाइंड विद द सर्टोली सेल्स सेल्स, और ये सर्टोली सेल्स है, दे विल देन प्रोमोट द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे ये जो सर्टोली सेल्स का एक और फंक्शन हमारे पास आ गया कि जो है ये स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा हम पढ़ा कि जी FSH है, तो ये जो FSH है ना, ये यहाँ पे ये एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास बाइंड करेगा सर्टोली सेल्स के साथ। ये सर्टोली सेल्स का क्या आ गया, एक और फंक्शन आ गया, और यहाँ पे आगे सर्टोली सेल्स जो है यहाँ पे दो फंक्शन काम करेगा, उनका हम अलग अलग देखते हैं। एक तो है कि इट विल स्टिमुलेट दी टेस्टिकुलर फ्लूइड प्रोडक्शन, और सेकेंडली इट विल कॉज द सिंथेसिस ऑफ इंटरसेलुलर एंड्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन्स। एंड्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन, इनके अपने यहाँ पे सिर्फ नेम्स ही याद रखने हैं, मतलब इसको डिटेल में पढ़ने की आप लोगों को जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, अब हम ज़रा कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लेते हैं कि ये जो इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस में कितने स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, कि उनकी स्पीड क्या है, उनका मीडियम क्या है, उनकी परसेंटेज, सब कुछ। ठीक है ना, तो उनमें आप लोग देखें सबसे पहले कि स्पर्म्स जो है ना मूव्स एट 2 to 3 millimeters per minute, ये स्पर्म्स की क्या है, स्पीड है। ओके, और एक जो ये जो साइकिल चलेगा ना, और ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का, उसमें बस हमारे पास आएंगे 4 mature sperms। इसको हम मियोसिस में भी देख चुके हैं ये कि हम किस तरह से, यहाँ पे हम देखेंगे कि 4 mature sperms हमारे पास आएंगे, जबकि फीमेल में सिर्फ एक एग आ रहा था। ठीक है, और जो स्पर्म्स है ना, स्पर्म्स मूव फास्टली इन द एल्कलीन मीडियम। और ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, इट कंप्लीट इन अप्रॉक्सीमेटली 74 days। ठीक है ना, और कुछ बुक्स के अंदर जो है वो लिखा हुआ है कि जी 2 months, तो आप इनमें से कोई भी याद कर ले, वो दोनों ठीक हैं, कि कुछ बुक्स में लिखा है 74 days और कुछ में लिखा हुआ है जी ये 2 months में हो रहा होता है। और जो पर इजैक्यूलेशन है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 300 million स्पर्म्स रिलीज हो रहे थे पर इजैक्यूलेशन। ठीक है, और अप्रॉक्सीमेटली पर इजैक्यूलेशन में 3.5 ml/s रिलीज हो रही होती है पर इजैक्यूलेशन में। ठीक है, अभी इसे जो 3.5 ml के हम जरा आप यहाँ पे कंपोजिशन भी देख लेते हैं, तो इस 3.5 के अंदर जो है वो 300 million स्पर्म्स होंगे। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो सेमिनियल ग्लैंड की सिक्रीशन होंगी अप्रॉक्सीमेटली 60%। इसमें जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन होगी अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 30%, और जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है इसकी सिक्रीशन होगी 10%। अब ये इनकी सिक्रीशन क्या है, इसको हम जो है इसको सबको डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम स्पर्म्स के जो है वो ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, स्पर्म एक्चुअली मूव किस तरह से कर रहे हो, तो उसमें हम इसकी ये सारी सिक्रीशन की डिटेल्स पढ़ेंगे। यहाँ पे आप बस इसकी जो फिगर्स याद रखें। ठीक है, देन के जो स्टीराइल मेल होते हैं, मतलब कि जो इनफर्टाइल होते हैं, ठीक है, स्टीराइल मेल, उनमें जो है लेस देन 10 million स्पर्म्स होते हैं पर इजैक्यूलेशन में। ओके, और स्पर्म्स की जो है दे अटेन देयर फुल मोर्टैलिटी इन द एपिडर्मिस। रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज, फुल मोर्टैलिटी इन एपिडर्मिस। ओके, तो अब हम लास्ट पे जो है स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्पर्म की एक्चुअल शेप होती किस तरह से है।
जरा आपको उसकी भी समझ आ जाए, ठीक है ना। सो दिस इज द हेड पोर्शन ऑफ द स्पर्म, ओके, एंड दिस विल बी द मिडल पीस एंड दिस पोर्शन इट विल बी द टेल ऑफ द स्पर्म। सो ये हेड के ऊपर ये जो मैंने हाईलाइट पोर्शन किया हुआ है ना, अप्रॉक्सीमेटली जो 2/3 है इस पूरे हेड का, दिस पोर्शन इट इज कॉल्ड एज द एक्रोसोम। और इसमें होते हैं जी एंजाइम्स होते हैं जो उसके पेनिट्रेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। ये हम सारा जो स्पर्म की मूवमेंट में हम देखेंगे और फर्टिलाइजेशन उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कौन कौन सी एंजाइम्स और वो कैसे कैसे। अब यहाँ पे हम याद रखें कि इट इज़ ये जो एक्रोसोम है इट इज़ फाउंड बाय द गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस, ठीक है ना। ये हेड तो हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। अब ये जो मिडिल पीस है ना, मिडिल पीस, इस मिडिल पीस के अंदर होते हैं हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है दे विल प्रोड्यूस द एटीपी जो कि स्पर्म को मूवमेंट में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो और लास्ट में हमारे पास आता है टेल। तो ये जो टेल है ना इट इज़ मेड अप ऑफ सेंट्रियोल, ठीक है। और ये जो टेल है इसको मूवमेंट में हेल्प करेगी। तो ये हमें देख लिया कि स्पर्म के हार्मोन्स कौन से हैं और ये जो उसके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स थे ये हमें इसकी डायग्राम देख ली। और यहाँ पे जो है वो हमने इस स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस देख लिया। थैंक यू।